आजादी के 74 साल पूरे होने पर आज देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराया। देश के हर छोटे बड़े शहर में आज लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आजादी के सबसे बड़े त्योहार को सेलिब्रेट किया। लाल किले से लेकर लद्दाख तक की सभी दिलचस्प तस्वीरें आपको 5 मिनट में दिखाते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रध्वज फहराया। लगातार 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड भी बनाया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा, देश क्या कर सकता है, लद्दाख में पूरी दुनिया ने देखा। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण के बाद देश को 86 मिनट लंबा संबोधन दिया। साल 2016 में 94 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था। प्रधानमंत्री के भाषण में दिखा 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास। तिरंगे गुब्बारों की उड़ान में दिखी आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम ने अब की बार क्रीम कलर का स्ट्रिप वाला भगवा रंग का साफा पहना। लाल किला पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। सेना और सुरक्षा बलों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पहले राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। बापू की समाधि पर चढ़ाए फूल। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। लाल किले पर सुरक्षा बलों से लेकर वीआईपी तक हर किसी ने मास्क पहन रखा था। एंट्री से पहले सबकी थर्मल स्कैनिंग हुई। पीएम मोदी भी गमछे से मुंह ढके नजर आए। लाल किले में बैठने के इंतजाम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दूर से ही हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने भी तिरंगे को सलामी दी। देश के कोने कोने में भारत की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों ने तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई। आजादी के जश्न में सराबोर जवानों का जोश कुछ इस अंदाज में दिखा। आईटीबीपी ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करके अपने ही अंदाज में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। वीडियो में आईटीबीपी के जवान ने अपनी सुरीली आवाज में मां भारती को सलाम किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर जवानों का जोश हाई है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पैंगोंग सो झील के किनारे तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। सत्रह हजार फीट की ऊंचाई पर आजादी के जश्न की तस्वीरें देखिए। लेह में आईटीबीपी जवानों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आए।
कोरोना काल में आईटीबीपी के जवानों का जोश कम नहीं पड़ा। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथों में तिरंगा लेकर आईटीबीपी के जवान नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर अटारी वाघा बॉर्डर पर भी जोश और जुनून दिखा। बीएसएफ और आईटीबीपी की ओर से तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर आम लोग तो मौजूद नहीं थे, लेकिन बॉर्डर पर पूरा जोश और जुनून नजर आया। बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों ने शानदार परेड की। जवानों के भारत माता की जय के घोष से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसकी आवाज पाकिस्तान में भी दूर तक गई। आजादी के 74वें वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को नमन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे।